नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जयसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर के अपने आधार कार्ड को कैसे प्रिंट आउट करेंगे, उसके संबंधित यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। आप भी बहुत ही आसानी से बिना रजिस्टर मोबाइल नंबर के ही अपने ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं, वह भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, यूट्यूब पे ये पहली वीडियो है जो कि ई आधार प्रिंट आउट बिना मोबाइल नंबर के आप लोग कैसे निकालेंगे, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों, अभी एक नई जानकारी निकल के आई है UID के पोर्टल पे, उसी के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर के ही आप लोग आधार कार्ड का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूंगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ऑर्डर आधार रीप्रिंट के लिए, आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को सिंपल 50 रुपये का चार्ज पेड करना है और ओनली आप लोगों को आधार नंबर टाइप करके सबमिट कर देना है। इसी प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह से आधार प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ये सर्विस उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है और वे चाहते हैं कि उनका आधार प्रिंट आउट मिल जाए, तो वे लोग इस जानकारी को विस्तार से देखें। इसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने ई आधार की प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं ओरिजिनल बेस पे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है या फिर VID नंबर टाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आप लोगों को ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नया टैब खुल के आएगा जहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक नंबर डाल देना है, जो इसमें रजिस्टर हो या फिर नॉन रजिस्टर हो, वे नंबर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास TOTP वाले सिस्टम है तो उसके संबंधित आप लोग यहाँ से OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर के आधार कार्ड की प्रिंट आउट मंगाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चा टाइप करके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं सेंड OTP पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मोबाइल नंबर मैं टाइप किया हूँ उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आ गया है। उस वन टाइम पासवर्ड को मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोगों को मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। लोग दोस्तों, पेमेंट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे लेके आया जाएगा। यहाँ से आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ, सावधानीपूर्वक अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड की प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 50 रुपये का पेमेंट मांग रहा है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। मैं यहाँ पे अपना वन टाइम पासवर्ड टाइप करके इस पेमेंट को सक्सेसफुली कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल गया, मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। अब इस पेज को रिडायरेक्ट करके UID के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पे टाइम दे रहा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ये पेज रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ गया। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पेमेंट यहाँ पे टाइम डेट शो हो रहा है, यहाँ पे SRN नंबर शो हो रहा है और रिप्रिंट का यहाँ पर नंबर दे रहा है, ट्रांजेक्शन ID का नंबर दे रहा है, अमाउंट दे रहा है और मेरा आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे अपने पर्ची को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्लिप डाउनलोड हो गई। चलिए हम लोग इस स्लिप को खोल के देख लेते हैं लोग। तो आप लोग देख सकते हैं वही जो चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ वही स्लिप यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अधिक सही संख्या में जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक तो बनता है। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।